दो स्टूडेंट है हमारी और दोनों ही पढ़ने आई थी, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेकर के बहुत परेशानी हुई। वो जाके कहाँ कैलकुलेट कर रही थी, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट लगा भी दिया तो कहाँ पे जाके कैलकुलेट कर रही थी, देख रही थी कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए परचेज हुआ तो उसको उसका देख रही थी पेमेंट में, और तो पेमेंट में तो दिखाएगा नहीं इंटरेस्ट, और सेल्स हुआ तो रिसीप्ट वाउचर में जाके देख रही थी तो वहां पे तो दिखाएगा नहीं, तो कहाँ पे दिखाएगा, कैसे ये एक्टिवेट होगा, आइए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वाउचर एंट्री पास करनी है आपको, ठीक है। तो वाउचर एंट्री पास करने जैसे ही जाएंगे आप, ये देखिए ये वाउचर एंट्री, और हम कहाँ चलेंगे, परचेज वाउचर में चलेंगे, तो ये आ गए परचेज वाउचर में, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम और करना है, यहाँ पर जब आप आएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रेस कर लीजिए आप F11 की, ठीक है। F11 की जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अलाउ इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखेगा, इसको आपको रखना है यस, तो Y प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिएगा, ये यस हो जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाइए कंपनी में, यहाँ पर पास करनी है एंट्री, तो परचेज वाउचर में पास कर लेते हैं। उन दोनों का ये कहना था कि परचेज में इंटरेस्ट कैलकुलेशन थोड़ी ना होगा, सेल्स में होगा, ठीक है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, परचेज में भी होगा, सेल्स में भी होगा, दोनों में हो जाएगा। कैसे होगा दिखाता हूं, यहां पर आ गए। अब यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर रहेगा, अब क्रेडिटर पार्टी तो पहले से बना हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक नया बना लेता हूं क्रेडिटर पार्टी, ठीक है। तो यहां पे कर देता हूं सूरज, ये क्रेडिटर पार्टी है हमारी, सी कर देता हूं यानी क्रेडिटर, ठीक है। एंटर प्रेस किया, ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, तो यहां से कर देता हूं सन्ड्री क्रेडिटर, ये आ गया। यहां पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको तो ऐसे ही रखना है, और ये हम 30 दिन का दे रहे हैं, ठीक है, तो 30 दिन कर दिया। यहां पर दिया हुआ है तो इसको यस कर दीजिए आप खाली, और ये यस कर दीजिए, ठीक है। यस जैसे ही करेंगे तो एक नई विंडो खोल करके आएगी। अब इसका अलग अलग मतलब है, देखिए ये दिया हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन राइट ट्रांजेक्शन, तो इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रखना है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, ठीक है। फिर नीचे दिया हुआ है ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन, अगर आप हर बार चीजों को बदलना चाहते हैं तो इसको भी यस कर सकते हैं, चलिए यस कर ही देते हैं, ठीक है। ये अमाउंट एडिट और ये सब बाद में जानते हैं। अब यहां पर मैं क्या करता हूँ, 10% का इंटरेस्ट रेट लगाता हूँ, अगर 30 दिन के अंदर पैसा नहीं मिला, और यहाँ पे तीन चीजें हैं इसको भी बाद में समझते हैं, फिलहाल ऑल बैलेंसेस कर देता हूँ। तो अगर 30 दिन के अंदर पैसा नहीं मिला तो उस पर 10% का ब्याज लग जाएगा। अब देखिएगा अमाउंट भी मैं बहुत हिसाब से रखूंगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया, इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट कराइए इस तरीके से, ठीक है। भाई बैठ बैठ छोड़ते हैं, ये परचेज अकाउंट का लेजर ही है। अब यहाँ पे कीबोर्ड बना हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे एक स्टॉक आइटम माउस बना लेता हूँ, ठीक है। आपको बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे मैं एक स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लेता हूँ माउस। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे NOS रख लेते हैं, यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पर आएंगे तो 100 क्वांटिटी माउस की हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है, और एक हमको खरीद रेट 80 रुपए की पड़ रही है, ठीक है। अभी जीएसटी वस्ती नहीं लगाते, ऐसे ही हम एक्सेप्ट कराते हैं। 30 दिनों का क्रेडिट पीरियड है, ये तो देख ही रहे हैं आप, एक्सेप्ट हो गया ना। डेट क्या था, 1 अप्रैल 2020। अब 1 अप्रैल 2020 को ही इसे सेल भी करना है, ठीक है। कैसे सेल करेंगे, एफिड प्रेस कीजिए सेल्स वाउचर के लिए, आ जाएंगे सेल्स वाउचर में। अब यहां पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर, पहले से बनाया हुआ है लेकिन मैं यहां पर एक और डेटर पार्टी बना देता हूं, शुभम, ठीक है, या शिवम कर देता हूं, तो ये लिख दिया मैंने शिवम, ठीक है। और सी कर रहे थे यानी क्रेडिटर की पहचान के लिए मैं सी लिख दे रहा था, इस तरह डेटर की पहचान के लिए डी लिख देता हूं, और ये जाएगा सन्ड्री डेटर में, ठीक है। तो ये डेटर पार्टी है तो सन्ड्री डेटर कर देंगे, ये तो यस ही रहेगा, ये तो जानते ही हैं। ये 30 दिन का क्रेडिट पीरियड इनको भी दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाई प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर भी वाई प्रेस कर देते हैं, ये खुल करके आएगा, यहाँ पर वाई प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर वाई प्रेस कर दीजिए। बाकी यहाँ पर मैं कर देता हूँ 15% का ब्याज, ठीक है। 30 दिन के अंदर पैसा नहीं लौटाया तो 15% का ब्याज देंगे, इसको थोड़ा बाद में समझेंगे किसी अन्य वीडियो में। ऑल बैलेंसेस मैंने रख लिया है, ठीक है। एंटर प्रेस कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हुए इसे भी एक्सेप्ट करा लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब वेट वेट नहीं लगाना है, अभी हम डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसी पे आते हैं। हमने बनाया था माउस, ये माउस ले लिया, 100 पीसेस हैं, 100 पीसेस को हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। इस बार हम सेल कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और सेल कितने का कर रहे हैं, 230 रुपए का एक माउस, हो गया। उधारी का सेल भी कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, हो गया। एक्सेप्ट करा लें, 30 दिन का क्रेडिट पीरियड इनके भी पास है, ध्यान दीजिएगा। एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया। अब हमको जाना कहाँ है ये देखने के लिए कि ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, तो देखिए यहां पर आइए और यहां से डिस्प्ले में चले जाइए।
और डिस्प्ले में जाने के बाद आपको कहां जाना है, डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। यहां पर आ ही नहीं रही थी सब, डायरेक्टली वहीं पे देखने की कोशिश कर रहे थे, पेमेंट और रिसिप्ट में थोड़ी दिखाएगा, यहां पे आ जाइए, ठीक है। यहां पर आपको सीधे कहां आना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आ जाइए, आ गए। अब यहां पर लेजर में भी जाके हम देख सकते हैं, फिलहाल अभी हम यहीं पे देख लेते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब रिसीवेबल में क्या दिखाएगा, जो आप सामान बेचे हैं ना सेल्स वाउचर में जाके, वो जो बेचे हैं उसी का ब्याज दिखाएगा, अगर टाइम पे वो पैसा नहीं आता है उसका ब्याज दिखाएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल में, माने ज्यादा ब्याज दिखाएगा, ढेर दिखाएगा। ज्यादा दिखाने का मतलब ये है कि हमने 15% का ब्याज सेल्स में लगाया था और 10% का शायद लगाया था उसमें परचेज में। तो यहां पर आ जाता हूं, अब देखिए यहां पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो घबराइए मत, दिखाएगा। यहां पे 1 अप्रैल 2020 दिखा रहा है, तो यहां पर क्या करता हूं, डेट चेंज कर लेता हूं F2 प्रेस करके, तो 1/4/2020 से लेकर अब एक महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था, तो यहां पे कर देता हूं 2 मई 2/5/2020, तो एक महीना पूरा हो जाएगा, 30 दिन पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही 30 दिन पूरा होगा तो देखिए यहां पर 3500 रुपए ब्याज आ रहा है, देख रहे हैं 23000 रुपए के ऊपर 30 दिन के भीतर 3000 रुपए ब्याज आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर बाहर आ जाते हैं, अब यहां पे आ जाते हैं इंटरेस्ट पेएबल में, इसमें भी अभी नहीं आ रहा है, यहां पे F2 प्रेस कर लीजिए डेट चेंज करने के लिए, और यहां पे आ जाइए, यहां पे कर देता हूं 2/5/2020 कर दिया, एंटर प्रेस किया, तो यहां पर देखिए यहां पे 826.67 रुपया ही लिया जा रहा है। तो ये किस चीज का ब्याज है, ये परचेज जो किया उसके लिए है और जो सेल किया उसके लिए आपने देखा ही देखा। तो इस तरीके से आप ब्याज लगा सकते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप दोनों स्टूडेंट की कंफ्यूजन के साथ साथ अन्य लोगों की भी ये कंफ्यूजन कि कहां कैसे होगा ये सब दूर हो जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।